हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो यूजीसी ने अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर निकाला है। तो उन्होंने जो अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है उसमें बताया है कि जो पीडीएफ की जो फेलोशिप है उसे रिवाइज कर दिया गया है, और जो उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा जो ये यूजीसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फेलोशिप्स इंक्रीमेंट से रिलेटेड, तो वो कहाँ है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस टाइप के जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं, हम उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे टाइप कर लें यूजीसी। तो जैसे ही आप यूजीसी टाइप करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले जो है वो यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट www.ugc.ac.in है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद एक नया विंडो ओपन होगा। तो उस विंडो में आप देख सकते हैं कि जो यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो होने के बाद आपको बस नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और देखना है लेटेस्ट एट द रेट यूजीसी। तो इस पर ही जैसे आप देखेंगे तो आप लिखा होगा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन, यूजीसी पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ फेलोशिप अमाउंट अंडर द यूजीसी स्कीम पोस्ट डॉक्टोरल फेलो। ओके, तो यूजीसी ने क्या किया है, उन्होंने जो पीडीएफ का जो फेलोशिप है उसे रिवाइज कर दिया है। जैसा कि हमें पता है, जो सीएसआई डीबीटी या हम कह सकते हैं आईसीएमआर, इनका जो फेलोशिप है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए वो ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, और सबको जो फेलोशिप है वो रिवाइज अमाउंट मिल रहा है। लेकिन जो पीडीएफ का जो रिवाइज अमाउंट था वो अभी तक यूजीसी ने कोई भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला था। लेकिन उन्होंने क्या किया है, अब 17 जून को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जिसके बाद जो यूजीसी की जो फेलोशिप है वो रिवाइज कर दी गई है। तो चलिए, जैसे ही हम इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा। तो इस विंडो में आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूजीसी का वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए, देख लीजिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से है, और देख लीजिए इस पे जो फाइल नंबर है वो F.4-2/2018 BSR, और जो ये नोटिफिकेशन आया ये 16 जून 2020 को आया है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो आप देख लीजिए, रिवीजन ऑफ फेलोशिप अमाउंट अंडर द यूजीसी स्कीम ऑफ पीडीएफ मींस पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप। ओके, तो इसमें उन्होंने क्या बताया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन इट्स 546 मीटिंग हेल्ड ऑन 14 मई 2020 अप्रूव्ड द रिवाइज रेट ऑफ फेलोशिप अमाउंट अंडर द पीडीएफ स्कीम्स ऑफ यूजीसी इन स्कीम्स ह्यूमैनिटीज स्कीम्स इन साइंस ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस द रिवाइज डेट आर गिवन बेलो। ओके, तो इन्होंने क्या किया, जो 546 मीटिंग जो हुई थी 14 मई को, उसके बाद क्या होगा, जो फेलोशिप अमाउंट है उसे रिवाइज कर दिया गया है। तो ये जो फेलोशिप अमाउंट है, चाहे वो जो पीडीएफ में हो, चाहे साइंस में कर रहे हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ में कर रहे हो या सोशल साइंस में कर रहे हो, तो सबके लिए क्या है, जो फेलोशिप है उसे रिवाइज कर दिया गया है। तो हम एक एक करके फेलोशिप देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डॉक्टर डीएस कोठारी पीडीएफ फॉर 3 ईयर्स। तो इसका जो पहले जो फेलोशिप थी, जो एग्जिस्टिंग फेलोशिप थी, उसका अमाउंट नॉर्मली क्या था, फर्स्ट ईयर में 43,400, सेकेंड ईयर में 45,000, थर्ड ईयर में 46,500। ओके, अलॉन्ग विद डैट 46,500 फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर, और उसके बाद जो कंटीजेंसी अमाउंट था वो था 1 लाख पर एनम। ओके, इसे अब रिवाइज करके कितना कर दिया गया है, जो फर्स्ट ईयर का जो फेलोशिप है वो 47,000, सेकेंड ईयर का 49,000, थर्ड ईयर का 54,000, और जो हायर है वो 44,000 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर, और जो कंटीजेंसी है, कंटीजेंसी में कोई चेंज नहीं किया गया, तो कंटीजेंसी उसका क्या है, 1 लाख पर एनम। वहीं अगर हम बात करें दूसरी फेलोशिप की, तो दूसरी फेलोशिप है डॉक्टर एस राधाकृष्णन पीडीएफ फॉर 3 ईयर्स। तो इसमें जो फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट मिलता था, वो मिलता है 38,800 जो एग्जिस्टिंग फेलोशिप था, और जो सेकेंड ईयर में वो 40,300, और जो थर्ड ईयर में वो 41,900, और जो इसमें अगर हम कंटीजेंसी की बात करें तो कंटीजेंसी में 50,000 पर एनम थी। अब इसी डॉक्टर एस राधाकृष्णन पीडीएफ फॉर 3 ईयर्स को रिवाइज कर दिया गया। तो रिवाइज फेलोशिप है 47,000 फॉर फर्स्ट ईयर, 49,000 फॉर सेकेंड ईयर एंड 54,000 फॉर थर्ड ईयर, बट कंटीजेंसी अमाउंट सेम है, तो इट इज़ सेम लाइक दैट ऑफ एग्जिस्टिंग फेलोशिप अमाउंट। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द पीडीएफ फॉर SC ST, तो इट इज़ फॉर 5 ईयर्स। ओके, सो उनका जो एग्जिस्टिंग फेलोशिप था वो था 38,800 फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, 46,500 फॉर थर्ड ईयर, और जो कंटीजेंसी अमाउंट था वो 50,000 पर एनम था। वहीं अगर बात करें रिवाइज्ड फेलोशिप की, तो रिवाइज फेलोशिप 47,000 फॉर फर्स्ट ईयर, 49,000 फॉर सेकेंड ईयर एंड 54,000 फॉर थर्ड ईयर, और जो कंटीजेंसी अमाउंट वो भी सेम है 50,000। वहीं अगर बात करें पीडीएफ फॉर वुमेन साइंटिस्ट, ओके, पीडीएफ फॉर वुमेन विच इज़ फॉर 5 ईयर,
तो उसका जो फेलो एग्जिस्टिंग फेलोशिप अमाउंट है वो है 38,800 जो कि फिक्स था, वहीं 46,500 आफ्टर 2 ईयर्स, ओके, एंड द कंटीजेंसी विल बी 50,000 पर एनम। वहीं अगर हम बात करें रिवाइज फेलोशिप अमाउंट में, तो फेलोशिप को रिवाइज इसको भी इस पीडीएफ में भी किया गया है, तो इसमें वो फेलोशिप रिवाइज फेलोशिप अमाउंट है वो 47,000 फॉर फर्स्ट ईयर, 49,000 फॉर सेकेंड ईयर एंड 54,000 फॉर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। और जो कंटीजेंसी है वो सेम है जो एग्जिस्टिंग फेलोशिप एग्जिस्टिंग थी, ओके, तो कंटीजेंसी में कोई चेंज नहीं किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो फेलोशिप का रिवाइज डेट है ये कब से एप्लीकेबल होगा, ओके, तो इसमें दिया गया है द अबव रिवाइज डेट्स ऑफ फेलोशिप आर एप्लीकेबल विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2019, ओके। तो जो फेलोशिप अमाउंट जो रिवाइज हुआ है उसका जो एप्लीकेबल होगा वो रहेगा 1 जनवरी 2019, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है, द पोस्ट डॉक्टोरल फेलो आर इंटाइटेड टू ड्रॉ एच आर ए एज पर MHRD OM नंबर 12-2/2019 U1 डेटेड 31 जनवरी 2019, ओके। तो इसके साथ ही साथ क्या है कि HRA को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, जो कि लोग अब बाहर रहते हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना HRA जो वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो HRA आई थिंक मे बी 24% हो सकता है, इन्होंने क्लियरली इसमें मेंशन नहीं किया है, तो आई थिंक मे बी जैसे PhD वालों के लिए 24% HRA है मेट्रो सिटी में, तो मे बी फॉर दीज पोस्ट डॉक पीपल आल्सो इट विल बी सेम, ओके। नाउ कमिंग टू द ऑफिस मेमोरेंडम, ओके, सो दिस इज़ फॉर आई थिंक फॉर ऑलरेडी फॉर PhD स्टूडेंट डेट वी ऑलरेडी डिस्कस आई थिंक इन माई प्रीवियस वीडियोज़, ओके। तो दिस इज़ आर ए वार ए फॉर दीज थिंग्स RA1 RA2 RA3 लाइक दे हैव रिवाइज द एमोलूमेंट्स, तो इट इज़ ऑल्सो मैंशन डेट फॉर 36,000 फॉर RA1 देन इट हैज़ बीन इंक्रीज अप टू 47,000, देन फॉर RA2 इट इज 30 इट वॉज 38,000 देन इट इंक्रीज टू 49,000 एंड फॉर रिसर्च एसोसिएट 3 RA3 प्रीवियसली इट वॉज 40,000 नाउ इट हैज़ इंक्रीज अप टू 54,000, ओके। तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर JRF एंड SRF एंड रिसर्च एसोसिएट विल नॉट बी इंटाइटेड टू DA। तो इसमें इन्होंने बोला है JRF SRF और RA जो है दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर DA, एलॉन्ग विद दैट दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर HRA ऑल्सो, ओके। सो दीज आर लाइक सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज अ ऑफिशियल मेमोरेंडम ऑल्सो फॉर RA एलॉन्ग विद डैट फॉर JRF एंड SRF दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन अवर वीडियो, ओके। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल हु आर परसुइंग पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप और दोज पीपल लाइक हु आर गोइंग टू फिनिश देयर PhD एंड दे वॉन्ट टू लाइक ज्वाइन फॉर एनी PDF, ओके। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन था, तो ये मेरा जो एक छोटा सा नोटिफिकेशन था रिलेटेड टू रिवीजन ऑफ फेलोशिप अमाउंट अंडर द UGC स्कीम ऑफ पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप। सो अगर आपने अपना जो PhD कंप्लीट कर लिया या आप PhD कंप्लीट करने जा रहे हैं तो आप इन में से कोई भी जो फेलोशिप है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मोस्टली लाइक DS कोठारी PDF जो है वो तो कॉमन है, मेल फीमेल दोनों के लिए, डॉक्टर SRA कृष्णन भी दोनों के लिए, लेकिन PDF फॉर SC ST फॉर 5 ईयर्स ये उन लोगों के लिए जो SC ST से बिलोंग करते हैं और इनकी जो फेलोशिप वो उन्हें 5 ईयर तक मिलती रहेगी। वहीं अगर बात करें PDF फॉर वुमेन फॉर 5 ईयर्स, तो इसमें जो वुमेन है ये जो PDF है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है और उनका जो फेलोशिप अमाउंट रहेगा वो रिवाइज रहेगा और जो फेलोशिप है ये अप टू 5 ईयर्स दे कैन क्लेम, ओके। सो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो UGC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है PDF फेलोशिप रिवीजन के लिए, तो मैंने वो आपसे डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी डाउट हो उसे मैं क्लियर करूँ। तो ये एक मेरा छोटा सा नोटिफिकेशन था जो मैंने आपसे के साथ शेयर किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइए और साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी टाइप के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।